और ये देखो, ये दोनों को तो मैं गलत लेके आ गया, दिमाग खराब कर रहे, सोई सोई रहे, पता नहीं नींद नहीं करी हो ना ऐसे 1 साल से। वैसे देखो सोते ही आ रहे, इनको बताया कि बस क्या कहते पूर्णागढ़ी देवी जा रहे हैं, फिर भी नहीं उठ रहे। देखो क्या करें, और ये देखो रोड कितना खूबसूरत है। तो ये लिए चिप्स और खोले, और ये देखो गिरा दिए, लेबर 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 ही रहेगी दोस्तों। और गिर के तो 85 रुपए का सामान ले लिया, हमारी लेबर बहुत महंगी। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुगलिया नट। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मंडावली से माल लेके अपना क्या कहते हैं, तो सीएनजी की लाइन आगे चल पड़ी है, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं अपना सरायकाले खास सीएनजी पंप पे हूँ। तो अपन जा रहे हैं दिल्ली से मझोला, जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर पे पड़ता है और पीलीभीत से आगे पड़ता है, जो कि यहाँ से पड़ रहा है अपना 300 किलोमीटर। तो बताएंगे अपनी गाड़ी का खर्चा कितना आएगा, सीएनजी और टोल वगैरह, और क्या बचेगा अपन को, ये सारा जानकारी देंगे दोस्तों आओ। तो दोस्तों अभी हमारे सीएनजी पंप पे, तो टाइम हो रहा अभी 12 बजने में 4-5 मिनट कम है, तो हमने माल लोड कर लिया था अपना 8-9 बजे, तो घर पे आ गए थे सरायकाले खां खाना खाने के लिए। तो अब आगे सीएनजी पंप सरायकाले खां, तो ये देखिए सीएनजी पंप है, तो यहाँ लाइन लगी हुई है, भरवाते अपनी गाड़ी में गैस, पहले से 3 पॉइंट है, बताएंगे कितने की आएगी गाड़ी में गैस और किस रोड से जाएंगे और कितने सीएनजी गैस लगेगी, कितना समय लगेगा। तो दोस्तों भरवाते हैं गैस और हम लेके जा रहे हैं घर सामान, लेके जा रहे हैं दोस्तों मझोला पीलीभीत उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भरवाते गैस और बताते हैं कितनी आती है हमारी गाड़ी में गैस। तो मैंने गाड़ी में गैस डलवा ली, तो गाड़ी में गैस आई है 4 किलो 328 रुपये की, क्योंकि प्रेशर 180 था। तो हम मुरादाबाद में डलवाएंगे और मुरादाबाद बताएंगे कितनी गैस आएगी। तो अभी समय हो रहा 12:10 और मुरादाबाद सी एन जी पंप यहाँ से 150 किलोमीटर, देखते कब तक पहुँचते मुरादाबाद, और पीते कहीं चाय पानी, बताएंगे जहाँ रास्ते में रुकेंगे कहीं। तो ये देखिए कितना ट्रैफिक चल रहा है आज रोड पे, रात के 11 बजे नॉन्ट्री खुल जाती है ना ट्रकों की, ये देखो कैसे आ रहे ट्रक, कितना ट्रैफिक चल रहा है। ये आगे जाके ट्रैफिक कम हो जाएगा, बस यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे सी एन जी पंप की वजह से लाइन लगती है। चलो दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। तो आ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस पे, तो ये लेफ्ट में चल रहा है सर्विस रोड, और ये मेरठ एक्सप्रेस वे, जो कि जहाँ से हम काले खां से सीएनजी भराई थी वहीं से ये मेरठ एक्सप्रेस वे चालू हो जाता है, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है। तो आगे से हम लेफ्ट ले लेंगे मेरठ एक्सप्रेस से, क्योंकि हमें जाना है हापुड़ गणगंगा रामपुर होते हुए जाना है क्या कहते हैं अपना पीलीभीत। तो आने वाला है बस अपना ये 62 सेक्टर है, ये देखिए इधर कंपनियां वगैरह है, और ये देखिए रोड पे स्पीड दे रखी है कार की 100 और छोटे गाड़ी की लोडिंग गाड़ी की 80। तो ये देखिए अपनी गाड़ी टॉप स्पीड में चल रही है और इसकी स्पीड बंधी हुई है 70 से ज़्यादा नहीं जाएगी है। तो मेरे साथ में जा रही है 2 लेबर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, रात को गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों अब आप मिलेंगे आपसे आगे। तो ये देखिए सामने पुल दिख रहा है आपको, इसका नज़ारे देखिए कितना खूबसूरत है, और ये पुल पड़ता अपना ये है लालगुआ वाला पुल, जो कि फाटक क्रॉसिंग का है ये, इसके नीचे ट्रेन रेलवे लाइन है, और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो आ चुका हम पहले टोल पिलखुआ, और टाइम हो रहा अभी 12:50, और ये टोल मैं बता दूं ये टोल कटता है 165 का, और दिल्ली से लेके हम पिलखुआ तक की दूरी कवर कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं 45 किलोमीटर। तो अब टोल कटवाते हैं। पता नहीं गाड़ी का टोल क्यों नहीं कट रहा ये वाली का,
या इसके पास पैसे नहीं है, क्या है पता नहीं, दिया पैसे दे। तो ये गाड़ी में फास्टैग में पैसे नहीं है, तो चक्कर में नहीं खुल रहा फाटक। तब फाटक खुला एक मिनट बाद इस गाड़ी का, पता नहीं हमें, फिर बंद हो गया। अब फिर बंद कर दिया, फिर खोल ले इस गाड़ी का फाटक, पीछे ले रहे गाड़ी ये। पता नहीं क्या हो गया इस गाड़ी वाले, नया ड्राइवर है क्या है, पहली बार टोल कटवा रहा है। अब खुल गया फाटक, तो हमारी गाड़ी का तो फाटक एक ही बार में खुल जाएगा। देखो पता नहीं क्या हो गया टोल, यहाँ पे ये वाला टोल स्कैन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, खुल ही नहीं दिया, बार बार दिक्कत आ रही है इनके टोल में। अब खुल गई, पूरे कम से कम 2 मिनट लग गए यहाँ पे। चलो हम मिलते आगे। दोस्तों आ चुका है सिवाय ढाबा, तो यहाँ से लेटते हैं लेफ्ट और गाड़ी खड़ी करते हैं इधर, कि दोस्तों नींद आ रही है, चाय वगैरह गुटखा वगैरह लेते हैं। ये साइड में ट्रक खड़ा कर रखा, हम भी इधर साइड में लगाते हैं गाड़ी। बिस्मिल्लाह ढाबा पी, ये देखिए उधर साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं, लेते हैं कमला पसंद वगैरह। तो दोस्तों साइड में गाड़ी खड़ी कर दी है, देखिए दोस्तों गाड़ी पे फूल कितने खूबसूरत लगे हैं, आज ही लगवाए मैंने। तो ये हमारे साथ में आई है दो लेबर, इसका नाम है अरुण, इसका नाम है गोपी। दोस्तों जा रहा हूँ गुटखा लेने के लिए, तो ये लिए चिप्स और खोले, और ये देखो गिरा दिए लेबर, लेबर लेबर ही रहेगी दोस्तों। 85 रुपए का सामान ले लिया, हमारी लेबर बहुत महंगी, तो 85 रुपए का सामान ले लिया। तो मैंने 2 कमला पसंद ले लिए, नींद आ रही थी, क्या करे दोस्तों, मजबूरी में खाना ही पड़ता है, क्योंकि इससे नींद नहीं आती बिल्कुल, और एकदम सफ़र बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, सामान ले लिया, हम मिलेंगे सीधा मुरादाबाद सिंज पंप पे। और ये देखो लेबर कितनी जल्दी बैठ गई गाड़ी में। तो दोस्तों चिप्स खाते हुए जा रहे हैं हम, ये है कुरकुरे, ये है अरुण, और ये हूँ मैं, चिप्स खा रहे हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ मुरादाबाद सीएनजी पंप, टोरेंटेड पंप है ये, और ये दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है सीएनजी पंप। तो यहाँ पे मैंने गैस डलवाई है, गाड़ी में आई है 894 की, वही अपना 10 किलो गैस। तो वो दोनों गए चाय पीने, तो जाता हूँ उनकी तरफ, वो आ रहे देखो सामने, वो आ रहे चाय पी के, तो मैं तो चाय नहीं पीऊँगा, तो ये पी के आ गए चाय, क्योंकि मैं बाथरूम गया था। तो अब देखते हैं निकलते यहाँ से, बताते हैं ये चाय पीने देंगे या नहीं, और बताते हैं, अब निकलते हैं फिर। चलो बैठते हैं, तो आगे ये दोनों फिर चलो। तो निकल रहे हैं सीएनजी पंप से, चाय नहीं पी रहे, तो दिल्ली की तरफ से आओगे तो रॉन्ग साइड में पड़ता है ये सीएनजी पंप, और बड़े बरेली से आओगे तो लेफ्ट साइड में सीएनजी पंप पड़ता है। तो यहाँ से अपना रह गया है मझोला, जो कि पीलीभीत से आगे जाना मान लेके वो है 356 किलोमीटर, और 3 घंटे दिखा रहा है, नहीं 156 है, सॉरी 356 नहीं 156 है, और 3 घंटे दिखा रहा है, 6 बजे तक पहुंचने का टाइम दिखा रहा है, देखते कितने बजे तक पहुंचते हैं।
तो आ गया है रामपुर बाईपास, तो यहाँ से लेना है राइट, तो ये सामने होटल, ये जाला जाता है सीधा बरेली के लिए रास्ता, और ये गुजरा हम रामपुर में। अब आगे कहीं रोकते हैं चाय पीने के लिए गाड़ी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी मुरादाबाद से सीएनजी पंप पे। अब यहाँ से 4-5 किलोमीटर रह गया, वहाँ से लेफ्ट लेना है, तो अब मिलते हैं चाय चाय की दुकान पे। तो दोस्तों ये है रामपुरी चाकू, ये सामने दिख रहा है आपको। अब यहाँ से सीधा रुद्रपुर है अपना 42 किलोमीटर, तो चलते हैं अब यहाँ से सीधा। तो दोस्तों रुद्रपुर से आगे और किचा से आगे ये ढाबा पड़ता है सामने, ढाबे का नाम है श्री जान सी दा लाडो ढाबा, और क्या कहते हैं, यहाँ पे हम आ गए थे रात को, वो 6 बजे आ गए, मतलब कि 5 बजे आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के सो गए थे। ये देखो दोनों सो रहे हैं। दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो गया, गाड़ी के शीशे साफ कर रहा हूँ मैं, ये देखो कितना वो हो गया धुंधा, गई गाड़ी के शीशे बाहर, अब देखो ये साफ कर रहा हूँ। ओए उठो, ये साफ कर उधर से, अरे साफ कर शीशे इधर से, वो भी इस पे मार इधर के शीशे मार, इधर भी मार, इधर भी। तो अभी टाइम हो गया है 7:34, ये देखिए सूरज निकल रहा है और सामने मंदिर है, कितना ओम नमः शिवाय, कितना खूबसूरत, जय महाराज, जय हो बोले। लो गेट खोलो, इधर से भी मार देता हूँ ये, भाई ये देखो नींद नहीं खुली, नींद नहीं की, अलग खोल, अरे खोल। देखिए रात को बहुत ही ज्यादा धुंध थी और अभी थोड़ी कम हो गई है, सुबह 5 बजे बहुत ही ज्यादा धुंध थी, तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों पहुंचने में, वही लगेंगे वही 40-50 मिनट लगेंगे पहुंचने में, देखते कितनी देर में पहुंचते हैं। दोस्तों गाड़ी खाली हो गई है और गांव है गिरधरपुर, तो ये सामान रख दिए देखो घर पे, ये घर है उनका जिनका माल लेके आया था। तो दोस्तों ये दूसरा घर है, पहला घर वो है अगले गांव में दूसरी जगह, तो दोस्तों उतार दिया, और टाइम देखो अभी हो रहा है 9:08:50 हो रही, देखो अभी अभी भी सो रहे, ये देखो सो रहा अभी है, इनको उठा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे, इनके लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी सामान नहीं रखवाया इन्होंने। चलो पैसे लेते हैं, ये देखते हैं, या तो पन्ना गिरी जाएंगे या सीधा दिल्ली। तो दोस्तों पी रहे चाय, जिनका सामान उतारा है, तो भाऊजी ने हमारे लिए लेके आए चाय पीने के लिए, यह देखो चाय पी रहे चाय, फिर उसके बाद लेंगे पैसे, और अगर माता ने कृपा करी हमारे ऊपर, तो जाएंगे यहाँ से पुन्नागिरी देवी मंदिर, और बताएंगे कितना किराया लगेगा हमारा वहाँ तक, और मतलब कितना खर्चा आएगा, सॉरी गाड़ी खुद की है, कितना किराया बताएंगे आपको। तो यह है भाऊ जी, ये लेके आए चाय हमारे लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, कोई चाय नहीं पिलाता लेकिन ये चाय पिला रहे हैं। तो जा रहे हैं हम पुन्नागिरी, ये अरुण वो सो रहा, गोपी
ये तो उठ ही नहीं रहा, ये सोई सोई रहा, पता नहीं कितनी नींद आती है। कुमकर्म से ज्यादा इसको नींद आती है गोपी को। तो हम जा रहे हैं मझोला से पन्नागिरी, जो कि यहाँ से पड़ता है 60 किलोमीटर, और 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो रोड देखिए बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा हुआ है। ये देखिए कितने आवाज़ आ रही है, दिखाता हूँ रोड आपको, क्या हालत है रोड की।